तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एक और नई अमेजिंग वीडियो में। ये वीडियो भी पहली वीडियोज की तरह बहुत ही फनी और अमेजिंग है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। मैंने एक वीडियो में सुना था कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। हाँ, शायद वो टैलेंट छुपा हो सकता है, लेकिन टैलेंट होता जरूर है। इस बात को इन चाचा ने सीरियस ले लिया और आखिरकार इनका टैलेंट बाहर आ गया। हाँ, जरा ये देखिए इनका टैलेंट। किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा टैलेंट भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे भाइयों, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के पास भेजो। अरे भैया, चचा सच में वर्ल्ड रिकॉर्ड के योग्य हैं, और मुझे नहीं लगता यार चचा का रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। अब देखो यार, जब किसी बुजुर्ग आदमी की लंबी उम्र के बाद डेथ हो जाती है, तो उसके घर वाले उस बुजुर्ग की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं। और एक सिंपल श्रद्धांजलि सभा कैसी होती है वो तो आप सबको पता होगा, लेकिन यार ये कैसी श्रद्धांजलि सभा है भाई? बुजुर्गों की आत्मा की शांति का ये कौन सा तरीका है भाई? लगता है देश की कुछ ज्यादा ही प्रगति हो गई। अगर इन बुजुर्गों की आत्मा इस श्रद्धांजलि सभा को देख लेना, तो उनका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर देखे हैं, जिनकी फोटो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती हैं, और उनके फोटो लेने का स्टाइल तो और भी ज्यादा गजब होता है। लेकिन आज तक मैंने ऐसा फोटोग्राफर नहीं देखा। आप जरा ये फोटो देखिए, ये बंदा एक फोटो लेने के लिए सीधा यमराज को चैलेंज कर रहा है। चलो मान लिया भाई इस बंदे ने ये फोटो ले ली, लेकिन क्या पता भाई ये बंदा अपने द्वारा ली गई फोटो देख पाएगा भी या नहीं। अब ये तो भगवान ही जाने, या फिर ये भूल जाने नहीं। एक सिंपल चोर या चोर की गैंग जब कोई चोरी करती है, तो वो चाहते हैं कि हमेशा वो कोई बड़ा हाथ मारे, यानी कि या तो वो सोना चुराते हैं या पैसे जेवर ऐसा कुछ, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज का समय बदल चुका है। आज के समय में चोरों को कुछ भी मिल जाए वो सब चीजें चुरा सकते हैं। जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं इन्होंने क्या चुरा लिया। जब इन चोरों को कुछ चुराने के लिए नहीं मिला, तो इन्होंने नाली के ऊपर रखे हुए लोहे की पट्टी को ही चुरा लिया। इसीलिए आप सब अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आज के समय में कुछ भी चोरी हो सकता है। इन चोरों से मुझे पुलिस की याद आ गई, तो चलो थोड़ा पुलिस की बात कर लें। आप सबको ये बात बहुत ही अच्छे से पता है कि जब कोई आदमी गैर कानूनी काम करता है, तो पुलिस वाले उसको ले जाते हैं, यानी कि उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन आजकल कुछ पुलिस वाले थोड़े से बदल चुके हैं, क्योंकि जब कोई आदमी गैर कानूनी काम करता है, तो वो उसको पकड़ के नहीं ले जाते। और मैंने जो बात कही उसका जिंदा सबूत है ये फोटो। ये सब लोग मिलकर जुआ खेल रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को करना ऐसा चाहिए कि इन सब लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। लेकिन ये पुलिस वाले ऐसा नहीं करते, वो जुआरियों को उनकी ही भाषा में मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मेरा मतलब है, ये पुलिस वाले इनको पकड़ने के बजाय इनके साथ मिलकर जुआ खेलने लग जाते हैं। अब अगर यार पुलिस वाले ऐसा काम करेंगे तो कैसे चलेगा यार? आप सबको ये बात तो अच्छे से पता ही है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, यानी कि जब कोई मर जाता है, तो उसके अंतिम संस्कार में सब लोग अपनी नम आंखों के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और हमेशा से यही रीत चलती आई है, क्योंकि यार किसी व्यक्ति की डेथ पर दुश्मन भी दुख जाहिर करते हैं। लेकिन यार जब कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया छोड़ के जाता है जिसने सब लोगों के नाक में दम कर रखा हो, तो उसकी अंतिम संस्कार यात्रा कुछ ऐसी होती है। नो 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 नो। आज तक मैंने शादियों में डीजे बजती हुई देखी थी, लेकिन अब तो लोगों ने सब यात्रा में भी डीजे बजानी चालू कर दी। चलो मान गए भाई डीजे बजा ली, लेकिन ये डांसर की क्या जरूरत थी? मुझे ये सब क्लिप देखकर मेरे दोस्त का फ्यूचर साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई उसने भी सबके नाक में दम कर रखा है। वैसे तो ओलंपिक में बहुत सारे गेम हैं, लेकिन मैं ओलंपिक वालों से गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज ओलंपिक में ताश को भी ऐड कर दो। अगर भगवान की दया से ऐसा हो गया ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ ताश के खेल में सारे के सारे गोल्ड मेडल भारत ही जीतेगा। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ शायद आप सबको पता होगा, क्योंकि हमारे देश में ताश को लोग कितना ज्यादा सीरियस होकर खेलते हैं वो तो आप इस फोटो में देख ही सकते हैं। यह चाचा अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर बस में सामान को रखा जाता है, और उससे भी मेन बात है चाचा ताश खेल रहे हैं। और मुझे ये बात बड़े अच्छे से पता है, चाचा इस बस से जीत कर ही बाहर निकलेंगे, फिर चाहे उनको दो बस स्टैंड आगे जाना पड़े, क्योंकि भाई जीत तो हमारे रग रग में है। हाँ वो बात अलग है, हारने वाला बंदा भी हमारे देश का है।
आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा कि आपका दिन अच्छा ना हो, यानी कि उस दिन आपका बैड लक ही खराब हो। चलो मान गई, ये किसी एक बंदे के साथ या फिर दो बंदों के साथ एक साथ हो सकता है कि उनका दिन अच्छा ना हो, लेकिन क्या होगा अगर एक ट्रेन में बैठे हुए सारे लोगों का ही दिन खराब हो। हाँ, जरा ये वीडियो देखिए, स्टेशन पर ये पाइप फूटा हुआ है, तो जरा देखिए कैसे फ्री में इस ट्रेन की धुलाई हो गई। चलो ये तो अच्छा हुआ कि ट्रेन धुल गई, लेकिन ट्रेन के साथ साथ ट्रेन में बैठे हुए सारे लोग भी धुल गए, और वो भी बिल्कुल फ्री। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं पर जा रहे थे, इसीलिए लगभग सब लोगों ने नए नए कपड़े पहने थे, लेकिन पानी ने इनका क्या हाल किया है ये बात शायद ये नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको किसी वजह से पुलिस पकड़ ले और आपके पास जमानत के लिए कोई भी ना हो और पैसे भी ना हो, तो आप बचने के लिए एक काम कर सकते हैं। हाँ भाई, आपको बचने के लिए आना चाहिए डांस, और कोई सिंपल डांस नहीं, ऐसे धमाकेदार डांस। और अगर आपने पुलिस वालों को अपने डांस से खुश कर दिया ना, तो शायद आप बच भी सकते हैं, जैसा इस बंदे ने किया। चलो, इस बंदे के डांस से इसने तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन इस चक्कर में सपना चौधरी का करियर खतरे में पड़ गया, क्योंकि यार जब से लोगों ने ये वीडियो देखी है और अब सपना चौधरी के बजाय इसका डांस लोग ज्यादा देखना चाहते हैं, और उन लोगों में मैं भी हूँ। देखो यार, वैसे तो बाबा रामदेव बहुत सालों से योगा करवाते आ रहे हैं और आज तक उन्होंने सारे योगा करवाए हैं, लेकिन अब मुझे एक ऐसा योगा मिल चुका है जो बाबा रामदेव भी नहीं कर सकते। वो स्पेशल योग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग बिना सहारे के उल्टा खड़ा हो जाते हैं, लेकिन आप सब में से शायद ही कोई भैंस के ऊपर उल्टा खड़ा हो सकता है। लगता है यही बंदा फ्यूचर का बाबा रामदेव होगा। बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इस बंदे ने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो दिमाग लगाया है ना, उतना दिमाग तो आज तक किसी ने भी नहीं लगाया होगा। इस बंदे ने एक छोटी सी मिठाई की दुकान एक एटीएम के आगे खोल ली। अब आप सोचोगे इससे क्या होगा, तो सुनिए जरा। जब भी कोई बंदा एटीएम से पैसे निकालता है, तो आपको बात अच्छे से पता है, उस समय उसके हाथों में पैसे आ जाते हैं, और अपने हाथों में पैसे होने की वजह से हर कोई खुश होता है और उसी खुशी का फायदा उठाता है ये आदमी। हाँ, बंदे ने एटीएम के बाहर मिठाई लगा रखी है, और जैसे कोई बंदा एटीएम से बाहर पैसे निकाल के आता है, तो बंदा मिठाई को देखकर सोचता है कि खुशी का समय है, चलो थोड़ा मुंह मीठा कर लेते हैं, और इसी चक्कर में वो बंदा थोड़ी बहुत मिठाई खरीद लेता है। और आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि एक दिन में कितने लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो सोचिए जरा कितने लोग बाहर आते ही इससे मिठाई खरीदते होंगे। क्यों, कहा था ना, बिजनेस के लिए ऐसा दिमाग किसी ने भी नहीं लगाया होगा। हाँ, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।